तो अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है अब क्या करें? एडजस्टमेंट हो जाती है वहीं पे। अब आ गया एडजस्टमेंट करो। अब एडजस्टमेंट कब तक करोगे और किस हद तक करोगे? क्योंकि अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एडजस्टमेंट, तो अगर वंस यू स्टार्ट एडजस्टिंग तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती है कम होती है? हाँ, आपकी इमेज ऐसी बन जाएगी, और ये तो बहुत ही अच्छी है, ये तो एडजस्ट कर लेती है। अब पूरी दुनिया आपको एडजस्ट ही करवाती रहेगी अपने हिसाब से, और ये बुरी तरीके से फंसेगी कहीं ना कहीं जा करके, क्योंकि कभी ना कभी एक लिमिट होती है ना, रस्सी को खींचने की एक लिमिट है, कभी ना कभी टूट जाएगी। तो अब क्या किया जाए? अब यहां पे अगर आपकी प्रायोरिटी सेट कि इन रिलेशनशिप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, और बहुत बार क्या होगा आप देखोगे कोई दूर के रिश्तेदार आपके घर में आए, उनकी वजह से आप अपनी बीवी से लड़ रहे हो, पागल नहीं हो? कुछ सोचो, मतलब वो क्या मजे लेने के लिए आए, वो तो आए आपको लड़वाने के लिए है। तो यू मस्ट प्रायोरिटाइज। हो सकता है कोई 100वें नंबर के बंदे की वजह से आप पहले वाले से लड़ रहे हो, तो पहले तो इसको आपने प्रायोरिटाइज किया। अब ये जो पहले नंबर पे है पर्सन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, इस रिलेशनशिप को पूरी जिंदगी चलाने के लिए क्या क्या ऐसी क्वालिटीज हैं या क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इट मस्ट बी वेरी क्लियर, नहीं तो वो एडजस्टमेंट कहां तक जाएगी उसकी कोई लिमिट नहीं है जी। सामने वाला तो कहेगा एडजस्ट करो। तो आपने वहां पे प्रायोरिटाइज कर दिया कि ये चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप को एंड तक ले जाने के लिए, ये नंबर वन पे है, ये नंबर टू पे है, ये नंबर थ्री पे है, नंबर फोर पे है, नंबर फाइव पे है, नंबर टेन। तो दसवें नंबर की अगर कोई चीज है उसकी वजह से तो हम नहीं लड़ रहे कहीं, बट अगर कोई पहले नंबर की चीज है तो अब क्या करोगे? एडजस्ट करोगे वहां पर? वहां पर लड़ना पड़ेगा, तो लड़ने के लिए तैयार रहो। यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि ये पहले नंबर पे है इस रिलेशनशिप को अगर एंड तक चलाना है, ये आपने क्लियर सामने वाले को बताया हुआ है कि आई नॉट बी एबल टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, मान लो ट्रस्ट, और दिस, और दिस। मान लो तीसरे नंबर पे कोई है प्रॉब्लम, वो तीसरे नंबर पे क्या हो सकती है? बदतमीजी से बात करना। रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन ट्रस्ट के जितनी नहीं है ना, क्योंकि वो तीसरे नंबर पे है तो आपको पता है यहां पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। जब दो लोग साथ में आते हैं रिलेशनशिप में तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो जाता है, ये सब पार्ट ऑफ गेम है। ज्यादा वहां पे सेंटी नहीं होना है बैठ करके कि ऐसा कैसे बोल दिया तूने मुझे, अरे बोल दिया वो भी भूल गया, तू भी भूल जा, समझे मैंने क्या बोला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई सिचुएशन है जो तीसरे नंबर पे है उसकी वजह से आप रिलेशनशिप को ही खत्म कर रहे हो? प्रायोरिटाइज किया है हमने या नहीं किया है? ज्यादातर लोगों ने नहीं किया है, ऐसा सोचते ही नहीं है, लड़ रहे होते हैं छोटी छोटी चीजों की वजह से कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। प्यार क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय लव? प्यार नहीं करते, प्यार कर वेले फंडे होते हैं बहुत सारे लोग, आप अभी हंस रहे हो लेकिन इन्हीं चीजों की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें हैं, जब आपने प्रायोरिटाइज कर लिया है तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है, तो नाउ यू आर क्लियर कि हाँ ये जो टॉप थ्री है ये तो इस बंदे ने संभाल रखा है, यहां पे तो 100 में से 100 नंबर है इसके, बट बाकी की जो है यहां पे बंदा जीरो है, 100 में से 0। अब क्या किया जाए? लगाओ, नहीं एडजस्टमेंट क्यों आ गया फिर से? एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट क्यों इतना भरा पड़ा है आप लोगों के दिमाग में? हर जगह पे एडजस्टमेंट करें, क्यों एडजस्टमेंट करना है? You are absolutely clear.